please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. यूपी के सीतापुर से बड़ी खबर आ रही है। सीतापुर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश शरीफ बंजारा को मार गिराया है। रामकोट इलाके में हुई इस मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिस वाले घायल हुए हैं। मौके से पुलिस ने एक तमंचा, एक देसी बंदूक और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। शरीफ बंजारा पर कई थानों में मामले दर्ज थे। और यूपी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी, 1 लाख का इनामी बदमाश शरीफ बंजारा मुठभेड़ में मारा गया और जिस पर कई मामले दर्ज थे और पुलिस को काफी वक्त से उसकी तलाश थी। और 1 लाख का इनामी बदमाश शरीफ बंजारा मारा गया, यूपी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी, कई वक्त से इसकी तलाश थी और कल रात हुए मुठभेड़ में इसको मार गिराया गया है। और मौके से पुलिस को एक तमंचा, एक देसी बंदूक और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। और जो मारा गया है शरीफ बंजारा, उस पर कई मामलों में थानों में मामले दर्ज थे। राजस्थान के जयपुर में एक सड़क पर सरेआम दो लड़कियां मारपीट करने लगी। दावा किया जा रहा है कि अलग अलग स्कूटी पर सवार इन लड़कियों के बीच एक दूसरे को साइड नहीं देने के मुद्दे पर झगड़ा हो गया, जिसके बाद दोनों लड़कियों ने बीच सड़क पर मारपीट शुरू कर दी। सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो में मारपीट के दौरान कुछ लोग बीच बचाव की कोशिश करते नजर आए। मामला शांत कराने की कोशिश जारी ही थी कि तभी एक लड़की ने दूसरी लड़की पर लात और घूंसे चलाने शुरू कर दिए। यही नहीं, दोनों लड़कियों ने एक दूसरे के खिलाफ अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। बीच सड़क पर हुए इस हंगामे की वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया और लोग परेशान होने लगे। लोगों के काफी समझाने के बाद दोनों लड़कियां वहां से जाने के लिए तैयार हुईं। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में बीती रात बदमाशों ने एक लड़की की लाठी से पीट पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद उसी के मोबाइल से परिजनों को फोन कर बुलाया और उन पर भी हमला कर दिया और कई राउंड फायरिंग भी की, जिसमें मारे गए लड़के के पिता समेत परिवार के 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। शुरुआती जांच में पुलिस ने बताया कि पीड़ित परिवार का इलाके के ही सुभाष पहलवान से पुराना विवाद चल रहा था और आशंका है कि इसी विवाद की वजह से ये हमला करवाया गया। सरकारी जमीन को बेच रहे थे और हम उस जमीन में डंगा लगा रहे थे। हमारे पास 5:15 बजे फोन आता है कि जितेंद्र का झगड़ा हो रहा है जीतू का, आप आ जाओ। हम वहाँ जाके देखते तो जीतू लेट मिला। और दीपक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, खुलेआम ये घटना को अंजाम दिया गया, क्या कोई सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी है? क्योंकि जो नाम आ रहा है सुभाष पहलवान, सीसीटीवी फुटेज के बाद ही पता चलेगा कि इस पूरी हत्या के पीछे किसका हाथ था। बिल्कुल, निश्चित तौर पर पुलिस जो है इलाके की चीजें खंगाल रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है, क्योंकि जिस पर परिवार जो है आरोप लगा रहा है वो इलाके में पहले काउंसलर का चुनाव लड़ चुका है और दबंग माना जाता है। और साथ ही जिस जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था वो सरकारी जमीन है, लेकिन दोनों पक्षों ने जो है अपना अपना मालिकाना हक उसमें जताया था, जिसकी वजह से ये झगड़ा हुआ। बहरहाल पुलिस जो है पूरी कई लोगों से पूछताछ कर रही है। वहीं जो इस पूरी घटना में घायल हुए हैं, 3 लोग बताए गए हैं घायल हुए हैं, जिसमें एक को पैर में गोली मारी गई है। लेकिन जीतू जो जितेंद्र जिसकी हत्या हुई है उसके साथ मारपीट की गई थी, लाठी डंडों से पीट कर उसकी हत्या की गई, ऐसा परिवार का आरोप है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका। सोशल मीडिया पर वायरल हुई पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की एक तस्वीर को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोल दिया। इस तस्वीर में प्रणब मुखर्जी के आरएसएस के कार्यक्रम के दौरान ध्वज प्रणाम करते दिखाया गया, लेकिन कांग्रेस ने इस तस्वीर को फर्जी करार देते हुए बीजेपी पर इसे वायरल करने का आरोप मढ़ा। तस्वीर में प्रणब मुखर्जी न सिर्फ स्वयं सेवक की तरह ध्वज प्रणाम कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने आरएसएस की काली टोपी भी पहन रखी है। जबकि हकीकत में आरएसएस के कार्यक्रम में ध्वज प्रणाम और प्रार्थना के वक्त प्रणब मुखर्जी दोनों हाथ नीचे करके खड़े थे। प्रणब मुखर्जी की फर्जी तस्वीर पर उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ट्वीट किया, देखिए जिसका डर था वही हुआ, मैंने अपने पिता को इस बारे में चेताया भी था। कुछ घंटे भी नहीं गुजरे लेकिन बीजेपी और आरएसएस का डर्टी ट्रिक्स विभाग पूरी तरह काम में जुट गया। आरएसएस के कार्यक्रम में प्रणब मुखर्जी के चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होने पर शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ट्विटर के जरिए एतराज जताया था और लिखा था कि भाषण तो भुला दिया जाएगा लेकिन तस्वीरें बनी रहेंगी और उनका फर्जी बयानों के साथ प्रचार किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने प्रणब मुखर्जी की 2 तस्वीरों को एक साथ दिखाकर इसे बीजेपी की साजिश करार दिया। मुंबई के लोगों के लिए आने वाले 3 दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। मौसम विभाग ने मुंबई में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी है। रात 2 बजे से मुंबई, जोगेश्वरी, कुर्ला, सायन, दादर और दूसरे कई इलाकों में बारिश हो रही है। प्राइवेट एजेंसी स्काई मेट ने दावा किया कि इस बार मुंबई में
2005 के बाद सबसे भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए बीएमसी के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, जबकि एनडीआरएफ को भी अलर्ट पर रखा गया है।